हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तेजस्विनी है और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल जब भी हम डिस्कस करेंगे, कार्डियक साइकिल में हम दो वर्ड को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, वो है सिस्टोल और दूसरा वर्ड है डायस्टोल। सिस्टोल का मीनिंग होता है कॉन्ट्रेक्शन और डायस्टोल का मीनिंग होता है रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मीनिंग होता है रिलैक्सेशन। अब हमारे हार्ट में जब भी चारों चैम्बर फोर चैम्बर प्रेजेंट इन रिलैक्सिंग स्टेट, जब भी हमारे हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्सिंग स्टेट में प्रेजेंट होंगे तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे ज्वाइंट डायस्टोल। क्या कहेंगे इसे? ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है, तो सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल में कॉन्ट्रेक्शन, डायस्टोल में रिलैक्सेशन। जब भी हमारे हार्ट के चारों चैम्बर एट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों, बोथ एट्रियम एंड बोथ वेंट्रिकल्स रिलैक्सिंग स्टेट में प्रेजेंट होंगे तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे ज्वाइंट डायस्टोल। अब नेक्स्ट हम कार्डियक साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे ये स्टार्ट होती है। तो ये इमेजिन करो, ये हमारा हार्ट है, ये है इसकी वॉल्स, ये हमारा है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों है हमारी ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड, और लेफ्ट साइड प्रेजेंट है हमारी बाइकस्पिड। अब हमारी कार्डियक साइकिल स्टार्ट कैसे होती है? हमारे हार्ट में राइट एट्रियम में ब्लड जो आता है वो आता है इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो एंटर करता है वो करता है राइट एट्रियम में। ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम में हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है, कहां से आता है? लंग्स में। लंग्स में क्या होता है? लंग्स में हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड बन जाता है, क्योंकि लंग्स के अंदर एल्वियोली होती है जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। तो ऑक्सीडेटिव ब्लड जो कैरी करती है पल्मोनरी वेन्स, और वहां से हमारा ऑक्सीडेटिव ब्लड जो एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में। तो जैसे ही हमारा राइट एट्रियम में ब्लड एंटर करता है उसी टाइम पे हमारा लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जो होता है एंटर करता है, दोनों जो होता है साइमल्टेनियस होता है। फिर तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो एसे नोड जो प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम में अपर साइड में, यहाँ पे एसे नोड क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने लगता है। ठीक है, जब भी ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा, वो कब जनरेट करता है? जब हमारे दोनों एट्रियम में ब्लड जो होता है फिल हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, उस टाइम पे साइनो एट्रियल नोड यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट करता है। तो दोनों एट्रियम में साइमल्टेनियस कॉन्ट्रेक्शन का जो प्रोसेस होता है स्टार्ट होता है, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम इस स्टेज को बोलेंगे, क्योंकि दोनों में कॉन्ट्रेक्शन इसलिए होगा क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कंडक्शन सिस्टम में कि यहाँ पे जो इंटर आर्टेरियल सेप्टम होता है उसके थ्रू हमारा एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो हमारा लेफ्ट एट्रियम में भी चला जाता है। तो हमारा जो कॉन्ट्रेक्शन का जो प्रोसेस होगा दोनों में एक साथ होगा, इसको हम फर्स्ट स्टेप बोलेंगे, ये होगा आर्टेरियल
सिस्टोल, ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया है, आर्टरी सिस्टोल। और सिस्टोल का मीनिंग है कॉन्ट्रेक्शन, और कॉन्ट्रेक्शन क्यों है, क्योंकि ऐसे नोड में हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया है जब हमारे दोनों एट्रिया में ब्लड फिल हो गया है, ठीक है। अब एट्रियल सिस्टोल की बात क्या होगा, हमारे यहाँ पे एवी नोड प्रेजेंट होगा, एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकल नोड। अब एक्शन जो पोटेंशियल होगा अब वो कहाँ पे जाएगा, एवी नोड में कंडक्ट हो जाएगा। एवी नोड में जैसे ही कंडक्ट होगा तो यहाँ पे एवी नोड एक्शन पोटेंशियल को थोड़ा स्लो कर देता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो ब्लड होता है वो हमारी ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, ठीक है। ब्लड जो है हमारे दोनों में यहाँ पे पहुंच गया, अब यहाँ पे पहुंच गया है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन था, ठीक है, यहाँ पे ब्लड का प्रेशर ज्यादा था और वो सारा ब्लड कहाँ जाने लग गया, वेंट्रिकल्स में। अब वेंट्रिकल जो पहले थे वो एकदम रिलैक्सिंग स्टेट में होते हैं, पर यहाँ पे ब्लड इनफ्लो करने लग जाता है, तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स का क्या हो जाता है, यहाँ पे जो होता है वेंट्रिकल्स का वेंट्रिकुलर सिस्टोल जाता है, क्योंकि जैसे ही वेंट्रिकल्स में ब्लड इनफ्लो करेगा बहुत ज्यादा ब्लड हो जाएगा तो यहाँ पे एक प्रेशर बन जाएगा जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, क्योंकि एवी नोड से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो बंडल ऑफ हिस्से वो मूव करने लग जाता है, बंडल ऑफ हिस्से हमारा एक्शन पोटेंशियल कहाँ चलने जाएगा, राइट बंडल ऑफ हिस्से में और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस्से की ब्रांचेस में, तो इससे क्या होगा पूरा एक्शन पोटेंशियल हमारा वेंट्रिकल्स की वॉल में चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा और इस टर्म को हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन हो गया। अब वेंट्रिकल्स में सारा ब्लड आ गया है एट्रियम का, तो एट्रियम जो है वो खाली हो गए, इसलिए हम यहाँ पे क्या होगा एट्रियल डायस्टोल होगा, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। तो वेंट्रिकुलर में जब सिस्टोल होता है उसी के साथ में एट्रियल डायस्टोल भी होता है, ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं एक साथ होते हैं, क्योंकि एट्रियल का जितना सारा ब्लड होता है एट्रिया का वो सारा वेंट्रिकल्स में चल जाता है, जिसकी वजह से एट्रिया में प्रेशर कम हो जाएगा तो वहां पे जो मसल्स होंगे वो रिलैक्स कर जाएंगी, इसलिए यहाँ पे जो होगा ये एट्रियल डायस्टोल होगा क्योंकि वहां की मसल रिलैक्स कर गई है, पर वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से यहाँ वेंट्रिकल्स में होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। अब ये जो क्या होता है यहाँ पे जितना भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है अब वो परकिंजी फाइबर से अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा परकिंजी फाइबर्स के थ्रू, तो अब क्या होगा पूरे वेंट्रिकल्स की वॉल में जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता चल जाता है। अब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा अब यहाँ पे इमेजिन करो ये पल्मोनरी, यहाँ पे आर्टरी और यहाँ पे है एओर्टा, तो पल्मोनरी आर्टरी में क्या मैंने यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे है सेमी लूनर वॉल, सेमी लूनर वॉल। अब जैसे और यहाँ पे है एओर्टिक वॉल, अब जैसे ही वेंट्रिकल्स में प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हुआ यहाँ की जो वॉल होती है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड ये दोनों वॉल जो होंगी क्लोज हो जाएंगी और सेमी लूनर वॉल जो होंगी वो ओपन हो जाएंगी, ठीक है, सेमी लूनर वॉल और एओर्टिक वॉल जो होंगी ओपन हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा जितना वेंट्रिकल ब्लड होगा वो ब्लड फ्लो कर जाएगा इन ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पे जितना भी प्रेशर जो किससे बना हुआ था कॉन्ट्रेक्शन क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल्स में भी पहुंच गया था बंडल ऑफ हिस्से के थ्रू और यहाँ पे ब्लड भी ज्यादा था इसलिए यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा था, पर अब क्या हुआ यहाँ का जो वेंट्रिकल्स का जो ब्लड है वो उनकी जो साथ में जो ब्लड वेसल्स है पल्मोनरी आर्टरी और ये एओर्टा इसके थ्रू जो होगा ब्लड वो फ्लो कर जाएगा, तो अब यहाँ पे वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रेक्शन नहीं रहेगा प्रेशर कम हो जाएगा, तो यहाँ वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो रिलैक्स कर जाएगी, तो यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल होने के बाद स्टेज आएगी जिसे हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल, डायस्टोल मीन्स रिलैक्स कर गई। अब रिलैक्स क्यों गई, क्योंकि सारा जो ब्लड था वो सारा जो फ्लो हो गया ब्लड वेसल्स में, पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड था वो लंग्स में चला गया, लंग्स में फिर वो ऑक्सीडेटिव ब्लड आया, फिर ऑक्सीडेटिव फिर से वो यहाँ पे चला गया लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या हुआ था, फिर ये एक साइकिल ऐसे बन जाएगी, अब फिर से जैसे वेंट्रिकुलर में पूरा प्रेशर डाउन हो गया, प्रेशर डाउन हो गया तो ये रिलैक्स कर गई, यहाँ पर रिलैक्स कर गई वेंट्रिकल जो रिलैक्स हो जाएंगे, उसके बाद फिर से क्या होगा रिलैक्स करने के बाद ये जो वॉल्व होंगी ये फिर से ओपन हो जाएंगी,
ठीक है, फिर से ओपन हो जाएंगी, बिल्कुल रिलैक्स कर जाएंगे, तो फिर एट्रिया में कॉन्ट्रेक्शन होगा और फिर से उनका ब्लड फ्लो वेंटिकल्स में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं जिसके अंदर चारों चैम्बर्स में कॉन्ट्रेक्शन भी हो रहा है, रिलैक्सेशन भी हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन भी हो रहा है, रिलैक्सेशन भी हो रहा है, तो इस पूरी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। ठीक है, एक बार आप फिर से रिपीट करेंगे, क्या हमने डिस्कस किया, हमारा जो ड्यूक्सिनेटिव ब्लड था वो राइट एट्रियम में आया है, ठीक है, और जो ऑक्सीडेटिव ब्लड था लंग्स से, ठीक है, वो आया लेफ्ट एट्रियम में। अब ब्लड आया, ब्लड पे आया तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया, यहाँ पे फिर एसिड लोड है, एसिड लोड क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा, जिसकी वजह से दोनों राइट एट्रियम से लेकर लेफ्ट एट्रियम में हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है वो कंडक्ट होगा, फिर वहां से क्या होगा, कंडक्ट हो गया, फिर एक्शन पोटेंशियल एवी लोड में आएगा, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से एट्रिया में कॉन्ट्रेक्शन होगा। ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चल रही हैं, हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को भी देख रहे हैं और साइड बाय साइड जो हर्टी मसल में जो प्रोसेस हो रहा है कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, हम उसको भी देख रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा एट्रिया से लेकर एट्रियम, राइट एट्रियम से ब्लड हमारा वेंटिकल्स में चला जाएगा और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंटिकल्स में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन हो गया, कॉन्ट्रेक्शन हो गया एट्रियल का, तो यहाँ पे क्या हम इसको क्या बोलेंगे, एट्रियल सिस्टोल हो गया, फिर एट्रियल यहाँ से पूरा ब्लड वेंट्रिकल्स में चला गया, एट्रिया का पूरा ब्लड वेंट्रिकल्स में चला गया, तो फिर एट्रिया जो है रिलैक्स हो गई, तो उसे हम बोलेंगे एट्रियल डायस्टोल। पर जैसे ही डायस्टोल होगा इसके साइड बाय साइड एक और प्रोसीजर होगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल हो चुका है, यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो गया, साइड बाय साइड जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था एसए नोड से एवी नोड, फिर बंडल ऑफ फिक्स में चला जाएगा, जिसकी वजह से पूरे वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रेक्शन जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए एक और टर्म है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसका मतलब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगा। अब क्या हुआ, जो बंडल ऑफ हिस्स है, लेफ्ट और राइट बंडल ऑफ जो हिस्स है उसके थ्रू वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, पर जो पूरे वेंट्रिकल्स की मसल्स में नहीं जा पाएगा, तो पर्किंजी फाइबर क्या करता है, वो पूरा एपेक्स से अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। ठीक है, फिर उससे पूरा वेंट्रिकल्स की मसल्स में अच्छे से कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा, और जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा हुआ, प्रेशर ज्यादा हुआ, तो वॉल जो ये होती है बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये दोनों क्लोज हो जाएंगी, क्लोज क्यों हो जाएंगी, क्योंकि प्रिवेंट करेंगी कि ब्लड जो है अपवर्ड फ्लो ना कर जाए, बैक फ्लो ना कर जाए, इसलिए क्लोज हो जाएंगी, और प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे जो सेमिलूनर वॉल होंगे ये ओपन हो जाएंगी, फिर यहाँ पूरा वेंट्रिकल्स का जितना भी ब्लड होगा वो उनकी पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा में ट्रांसफर कर जाएगा। ठीक है, तो इसको अब वेंट्रिकल्स के पास ज्यादा ब्लड नहीं, क्योंकि वो सारा उसने ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करवा दिया है, तो अब वेंट्रिकल्स में क्या स्टेज आ जाएगी, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जिसके अंदर वेंट्रिकल्स पूरे रिलैक्स कर जाते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर गए, बिल्कुल रिलैक्सेशन स्टेज आ गई, यहाँ पे रिलैक्सेशन स्टेज आ जाती है, तो इसका मतलब फिर से ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे, क्योंकि एट्रिया में भी ब्लड आ चुका है, क्योंकि ब्लड एक सेकंड के लिए भी रुकता नहीं है, ब्लड यहाँ से फ्लो होता है, फिर यहाँ पे डिओक्सिनेटेड ब्लड आता है, फिर वेंट्रिकल पे फिर जाता है, फिर दोबारा ब्लड आता है, फिर वेंट्रिकल में जाता है, तो यहाँ से अगर ब्लड वेंट्रिकल से चला गया तो ऊपर एट्रियम से फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो साइकिल है ये जहां से स्टार्ट हुई फिर से वहीं पे आ रही है, वहीं से स्टार्ट हो रही है, यहां से ब्लड जाएगा फिर से दोबारा एंटर करेगा, तो ये साइकिल इसको बोलते हैं हम कार्डियक साइकिल। इसमें क्या होते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। ठीक है, टू पंप ब्लड, टू पंप ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल में पूरी सीरीज ऑफ इवेंट जितने की आर्टरियल सिस्टोल हुआ, आर्टरियल डायस्टोल हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हुआ, इन सीरीज ऑफ इवेंट्स को मिलाकर जिसके अंदर पूरे कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है पूरे एट्रिया और वेंट्रिकल्स का, उस साइकिल को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। अब ये जो कार्डियक साइकिल होती है इसकी जो ड्यूरेशन होती है कि कितने टाइम के लिए होती है, ये होती है ड्यूरेशन इसकी 0.8 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। अब दो टर्म के बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम क्या होता है,
और दूसरा है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? ब्लड पंप बाय ईच वेंटिकल, हर एक वेंटिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है एक बीट में, एक बीट में कितना ब्लड पंप कर रहा है हर एक वेंटिकल, तो ये होता है 70 ml। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? ब्लड पंप बाय ईच वेंटिकल, ठीक है, कितना होता है 70 ml, उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट जो टर्म है वो आती है कार्डियक आउटपुट। अगर अब हमारा जो हार्ट है, जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, ये जो बीट करता है वो करता है 70 से लेकर 75 बीट्स पर मिनट। ठीक है, पर जो एवरेज होता है, एवरेज जो हम एक टर्म लेते हैं वो लेते हैं 72 बीट्स पर मिनट। एक मिनट में 72 बीट्स पर मिनट हमारा हार्ट, हमारी हार्ट बीट है। ठीक है, ये हम लेते हैं एवरेज। तो अगर एक बीट में 70 ml ये क्या कर रहा है, 70 ml को पंप कर रहा है, तो 72 बीट में कितना करेगा पंप, 70 ml × 72, इसी को हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या हुआ कि एक बीट में अगर 70 ml है तो 72 बीट्स में कितना होगा, इतना होगा। अब उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है अप्रोक्स 5000 ml, इसका मतलब 5 लीटर। इतना अमाउंट ऑफ ब्लड हमारा एक वेंट्रिकल एक मिनट में इतना ब्लड पंप कर रहा है, एक मिनट में कितना कर रहा है, इतना 5 लीटर। ठीक है, ये 1 मिनट में कर रहा है। ठीक है, एक बार हम दोबारा रिपीट करेंगे इसे। स्ट्रोक वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है? ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल, ठीक है, वो है 70 ml। ठीक है, अगर एक बीट में 70 ml पंप कर रहा है तो 72 बीट्स में कितना करेगा, कितना आएगा, तो उसी को हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मीनिंग ये होता है कि एक मिनट में कितना ब्लड पंप किया जा रहा है, ठीक है, वेंट्रिकल के थ्रू, तो वो आएगा अप्रोक्स 5000 ml, जो कि होगा 5 लीटर। तो हमारी जो वेंट्रिकल्स होते हैं एक मिनट में इतना ब्लड पंप करते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है ये होता है एवरेज कार्डियक आउटपुट, ये एवरेज मतलब मोस्टली हम कभी भी ह्यूमन बींग्स का चेक करेंगे तो हमें इतना एवरेज मिलेगा, पर कई बार क्या होता है हमारी जो बॉडी होती है वो इसे इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। अब हम देखते हैं, अब जो एथलीट होते हैं, एथलीट जो इतनी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उनका जो हार्ट जो पंप करता है ब्लड, वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी आदमी से कहीं ज्यादा उसका कार्डियक आउटपुट होता है। तो एथलीट का क्या होता है, हायर कार्डियक आउटपुट देन अदर पीपल। ठीक है, तो ये इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है, यूं नहीं कि इतना ही रहेगा। तो एथलीट जो होते हैं उनका जनरली हम देखेंगे उनका जो कार्डियक आउटपुट होता है वो हायर होता है अदर पीपल से। ठीक है, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या है कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट हम थोड़ा डिस्कस करेंगे हार्ट साउंड के बारे में। हार्ट साउंड, तो हमारे हार्ट से मेनली हमारी जो हार्ट साउंड है वो कैन बी हर्ड बाय, किससे हम अपने हार्ट की साउंड जो है सुन सकते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्टेथोस्कोप। ठीक है, जो जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हुए, डॉक्टर हुए, नर्सेस हुए, ये सारे हमारे हार्ट को कैसे चेक करते हैं, वो स्टेथोस्कोप लगा के उसकी हार्ट की साउंड को चेक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ये हमारी हेल्प करते हैं। हार्ट की साउंड बहुत ही ज्यादा क्लिनिकल पर्पसेस में हम इनको यूज करते हैं। बहुत सारी ऐसी डिजीज होती है जिसके अंदर हम मतलब नॉर्मल हार्ट साउंड से अगर कोई दूसरी हार्ट साउंड आ रही है तो उससे हमें पता चलता है कि हार्ट में कौन सी डिजीज होने की चांस है। तो हमारी जो नॉर्मल हार्ट साउंड ये है, हार्ट की जो साउंड होती है बहुत सारी होती है, पर जो नॉर्मल होती है वो होती है लव और धव, ये टू टाइप की जो साउंड होती है नॉर्मल हार्ट साउंड बोलेंगे इन्हें। लव की जो साउंड आती है वो आती है क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड,
जब ये ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल बंद होती हैं, क्लोज होती हैं, तब ये साउंड प्रोड्यूस होती है जिसका नाम है डब, और डब कब प्रोड्यूस होती है? क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल। तो जब हमारी सेमी लूनर वॉल क्लोज होगी तब ये वाली हट की साउंड प्रोड्यूस होगी जिसका नाम है डब, ठीक है, इसका नाम है डब, सॉरी, ठीक है। डब साउंड का प्रोड्यूस होगी जब क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वॉल होगा, और लव साउंड का प्रोड्यूस होगी जब क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड होगा, ठीक है। ये होगी हमारी हर्ट की साउंड्स। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक ऐसा डिवाइस है जिससे जो हम अपने हार्ट की एक्टिविटी की स्टडी कर सकते हैं। ये जनरली क्लिनिकल पर्पस में यूज होता है, जैसे कि हार्ट, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए या फिर कोई एंजाइना आ जाए या किसी का हार्ट ब्लॉक हो जाए, तो हम सीधा उस डिवाइस से क्या कर सकते हैं, उसके हार्ट के अंदर एक्टिविटी क्या चल रही है, क्या हुआ उसके हार्ट के साथ, ये एकदम से ब्लॉकेज हो गई, तो इस डिवाइस की हेल्प से हम पूरे हार्ट की एक्टिविटी को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी डिवाइस होता कैसे है? अब मान लो ये एक ऐसे डिवाइस होता है, ये मॉनिटर होता है, और इसके पीछे यहाँ पे क्या वायर्स लगी होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये मॉनिटर होता है, यहाँ पे हार्ट की एक्टिविटी क्या होती है, मेजर होती होती है। ऐसे हमने कभी मूवीज में देखा होगा, कभी बीप बीप की आवाज आ रही होती है, कि मूवीज के अंदर आईसीयू का सीन होता है तो उसके अंदर कोई पेशेंट बेड पर लेटा हुआ है तो मॉनिटर में देखते हैं तो हम उसकी हार्ट की ये एक्टिविटी नजर आ रही होती है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इस ग्राफ में क्या होता है, जो हार्ट की जो एक्टिविटी होती है वो हमें जो मिलती है हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में, ठीक है। वो क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफ होता है और उसके अंदर ऐसी लाइनें होती हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जनरली होता कैसा है, तो हमारा जो नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आएगा किसी का भी ऐसा आएगा, ठीक है। इसको हम डिनोट, इसलिए जो शॉर्टर वेव होती है इसको बोलते हैं हम टी वेव से डिनोट करते हैं, यहाँ पे क्यू आर एस और ये है टी वेव, ठीक है। अब जो भी हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो हमारी हार्ट की जो जितनी भी एक्टिविटी है उसको एक ग्राफ पे ऐसे बना के दे देगा, तो इसमें जो ये वेव्स आ रही है इनका एक मीनिंग होता है, ठीक है, किसी भी किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो ये क्या देखते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारी जो पी वेव होती है ये रिप्रेजेंट करती है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, हमारे दोनों एट्रियम जो होते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, उन दोनों में कॉन्ट्रेक्शन हो रही होती है। कॉन्ट्रेक्शन क्यों होगी, क्योंकि एस्ट्रोनॉन ने एक्स्ट्रा पोटेंशियल को जनरेट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे दोनों एट्रिया में क्या होगी, ये कॉन्ट्रेक्शन होगी। तो हम ये वेव हमें बता रही है कि किस पॉइंट पे आके हमारे दोनों एट्रिया में कॉन्ट्रेक्शन हुआ है, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट जो है हमारी क्यूआरएस, अब इसे क्यूआरएस वेव भी ले लो या क्यूआरएस हमारा कॉम्प्लेक्स ले लो या क्यूआरएस सेगमेंट, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्ट्रेक्शन एट्रिया में। दोनों कॉन्ट्रेक्शन के बाद क्या होता है, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन हुआ, ब्लड सारा वेंटिकल्स में चला गया, वेंटिकल्स में
अब एट्रिया में कॉन्ट्रेक्शन हो गया ब्लड सारे से लगे, तो एट्रिया में रिलैक्सेशन भी होता है, पर एट्रिया में जो रिलैक्सेशन होता है उसके सारे साथ में वेंटिकुलर सिस्टोल भी हो रहा है, क्योंकि पूरा ब्लड इसमें फिल हो जाएगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होगा, पर जो एट्रिया में रिलैक्सेशन होता है वो इतना मेजर इवेंट नहीं होता, इसलिए वो इसमें काउंट नहीं होता, इसलिए जो QRS का सेगमेंट होता है वो हमें शो करता है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वेंटिकल्स, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वेंटिकल्स जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन। इसका मतलब ये भी है कि ऐसे नोड से हमारा एक्शन पोटेंशियल ए भी नोड में चला गया, फिर बंडल ऑफ फिश में, और फिर बंडल ऑफ फिश से ब्रांचेस होगी जिसकी वजह से हमारे वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है वो आता है टी वेव। टी सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट करती है? टी वेव में क्या हो रहा है, हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन होने के बाद इतना कॉन्ट्रेक्शन हो गया कि हमारी दोनों वॉल्व बंद हो गई और दोनों वेसल से ब्लड का फ्लो हो गया, तो पूरा ब्लड फ्लो हो गया, इसके बाद क्या होगा, प्रेशर धीरे धीरे वेंट्रिकल्स में कम हो गया और वेंट्रिकल्स ने अपनी पहले वाली स्टेज को गेन कर लिया जो कि थी रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे टी वेव हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, जिसका एक और इम्पॉर्टेंट नाम है उसको बोलते हैं वेंट्रिक्यूलर वेंट्रिक्यूलर रिपोलराइजेशन, इसका मतलब वो रिलैक्स हो गई, वेंट्रिक्यूलर रिपोलराइजेशन। ठीक है, ये सारा हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में। अब जो मैंने बताया था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में क्या होता है, कुछ वायर्स होती हैं जो कि हम अटैच करते हैं हार्ट पे, तो मेनली थ्री वायर्स अटैच होती हैं। थ्री वायर्स कहाँ अटैच होती है, एक तो राइट एंड लेफ्ट रिस्ट में अटैच करते हैं, और एक जो करते हैं अटैच वो करते हैं लेफ्ट एंकल में। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कहां कहां पे थ्री वायर्स अटैच करते हैं, ठीक है, तो राइट एंड लेफ्ट रिस्ट में करते हैं और लेफ्ट एंकल में करते हैं। नेक्स्ट, ये तो होता है थोड़ी सुपरफिशियल स्टडी पे, इतनी ज्यादा हम डिटेल्ड स्टडी नहीं कर रहे हार्ट की, पर अगर हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे हार्ट की, यहाँ पे वो करनी है डिटेल स्टडी करनी है हार्ट की, तो जो ये वायर्स होती है लीड्स होती है, एटलीस्ट 12 लीड्स हमें लगानी पड़ती है हार्ट पे, डिफरेंट पोजिशन ऑफ हार्ट पे, एंटीरियर हुआ, पोस्टीरियर हुआ, लेटरल साइड हुई, तो डिफरेंट पोजिशन ऑफ हार्ट पे हमें प्लेस करते हैं एटलीस्ट 12 लीड्स। ये बहुत ही डिटेल स्टडी के लिए, इसमें हार्ट की सारी एक्टिविटी को हम मेजर कर सकते हैं, इसमें कई बार पेशेंट जो होते 24 आवर्स के लिए हमें उनकी हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करना होता है, तो उसे बोलते हैं डिटेल स्टडी, जिसमें हम टॉयलेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज मैंने आपको ये सारा डिस्कस किया कार्डियक साइकिल और पूरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम हो तो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख सकते हैं, आई विल गिव आंसर। थैंक यू।